Bad Jaitha. अच्छा ये बताओ कभी किसी ने चिट्ठी, तुम लोगों ने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है? किसने किसने लिखी है? अच्छा, और घर में आई है चिट्ठी? किसकी किसके घर चिट्ठी आती है? नहीं आती है, कभी कोई चिट्ठी नहीं आती है, पोस्ट कार्ड भी नहीं आता है, पोस्ट कार्ड भी नहीं आता है, कुछ नहीं। जो बाहर रहते हैं वो कैसे बात करते हैं? जो नाना नानी मामा मामी फोन से, इतना ज्यादा फोन से बात की, बिल्कुल चिट्ठी लिखना बंद कर दिया है। वैसे सही बात है, अब आजकल लोग बहुत कम चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, पर ये पहले तो ऐसा नहीं था। पहले फोन नहीं था, था भी तो बहुत कम, पहले तो बिल्कुल नहीं था, फिर थोड़ा बहुत जब था तो बहुत कम लोगों के पास होता था। पर दूसरी चीज बच्चों, इतने लिखा फायदा होता है, बता सकते हो क्या चीजें लगती हैं आपको कि अगर पत्र लिखोगे तो क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात होगी? एक तो आप सुनो, पत्र लिखने से आप अपनी बात ज्यादा अच्छे से कह पाओगे, सोचते ज्यादा हो, आप सोचते हो ना चिट्ठी लिखोगे अगर तो सोचोगे, फोन पे तो खटखट खटखट बात करी, सोचने का टाइम होता है? जब आप किसी से फोन पे बात करते हो तो सोच पाते हो कि क्या बोलना चाहिए, एकदम से फोन आया तो आपने बात करनी शुरू कर दी। पत्र लिखोगे, चिट्ठी लिखोगे, तो उसमें तुम पेपर लेके बैठे और फिर क्या सोच रहे हो, सोच सोच के लिखोगे ना, तो कई बातें जो हैं वो एकदम से दिमाग में नहीं आती है, फोन पे नहीं कह पाते हो। पत्र द्वारा क्या होता है, आप अपने मन की बात को ठीक से लिखते हो, और क्या होता है, सोच बढ़ती है। कोई भी जब हम चित्र देखते हैं, अगर उसके बारे में चित्र देख के लिखते हो, सो ऐसे तो बोलोगे तो इतना नहीं दिमाग में आएगा, पर जब लिखना शुरू करोगे तो ज्यादा लिख पाते हो ना। हमेशा कोई भी चीज को लिखने से आपकी क्या होती है, बुद्धि बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप सोच ज्यादा पाते हो ज्यादा, और सोचने के बाद उसको शब्दों में उतारना, शब्दों में लिखना। जो कवि और लेखक होते हैं या जो लोग लिखते हैं पेपर में और सब में, वो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, अभी एकदम से आपको अगर आप सोचो तो आपको कई कई बातें समझ में नहीं आएंगी, सोच रहे हो पर शब्द नहीं मिलते कि कैसे इसको लिखूं। अगर एक आदत बना लोगे लिखने की तो फिर ये दिक्कत आएगी? आप देखो कितना जल्दी लिखने लगोगे, अभी आप पढ़ रहे हो, जब रोज पढ़ते हो और छुट्टी के बाद आते हो, छुट्टी में नहीं पढ़ा, 10 दिन नहीं लिखा, महीना भर नहीं लिखा, और फिर जब लिखने लगे स्कूल आते ही तो क्या होता है, हाथ दर्द होता है, और जब रोज लिखते हो तो होता है नहीं, ये होती है। तो आपकी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, आप नियम से लिखोगे, सोचोगे भी ज्यादा अच्छा और लिखने की भी आदत बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक पत्र के बारे में बात हो रही है, आपने इनका नाम सुना है, जवाहरलाल नेहरू, ये इनको क्या, ये कौन थे, ये कौन थे, चाचा नेहरू, इनके जन्मदिन को कौन से दिन पड़ता है, 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं बाल दिवस, उसी की याददाश्त, उसी की वजह से। और इनको और क्या चीज पसंद थी, बहुत लाल गुलाब बहुत पसंद था, और ये भारत के पहले प्रथम आजाद भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, आजाद भारत के, जब भारत को आजादी कब मिली है कोई बता सकता है, 15 अगस्त, कौन सा सन, 1947, 15 अगस्त, हिंदी में नहीं, 1947,
1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली थी? आजादी। हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और हम पर कौन राज करता था? अंग्रेज राज करते थे। अंग्रेजों ने मालूम है बहुत साल राज किया है, 100 साल से ज्यादा। तो जब ये बाप और कौन थे और बताओ, किसी का नाम याद है कि जब आजादी की लड़ाई में कौन कौन थे? उन्होंने गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक हम लोगों ने पढ़ा है, और चंद्रशेखर आजाद, इस तरह से बहुत से लोग थे। और गांधी जी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करा, जब लड़ाई शुरू हुई तो इन लोगों को जेल भी जाना पड़ता था, कई बार जेल जाते थे सब लोग। इन लोगों को अंग्रेज क्या करते थे? जेल भेज देते थे। क्या करते थे? जेल भेज देते थे। जब भी कोई आंदोलन कोई रैली करते थे तो इनको अंग्रेज लोग जेल भेज देते थे। तो इसी तरह से एक बार, और जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम मालूम है? जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम था लाल नेहरू की पुत्री। पुत्री किसको कहते हैं? कौन थी मालूम? नहीं पता? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। और ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा जी को कब लिखा है? जब वो जेल में थे। और क्या था इंदिरा जी का जन्मदिन? क्या था? कितनी तारीख को लिखा उन्होंने? 26 अक्टूबर 1830 है। 1930 है, 1930 को ये पत्र उन्होंने कब लिखा? 26 अक्टूबर 1930 में। तब देश आजाद हो चुका था। क्या चल रहा था तब? क्या हो रहा था? आंदोलन। काहे का आंदोलन चल रहा था? अरे लड़ाई का आंदोलन। आंदोलन मत, आजादी के लिए क्या हो रहा था? जगह जगह क्या हो रहे थे? आंदोलन हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी। और उसी में से ये जो थे जवाहरलाल नेहरू उस समय जेल में थे। और जेल में क्या हुआ? इनकी पुत्री का जन्मदिन पड़ा। ये कहां की जेल में थे? नैनी जेल। नैनी जेल में थे। अब नैनी जेल से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? नैनी जेल कहां होगी? कहां पर होगी? नैनीताल की एक और चीज है जो बहुत मशहूर है। क्या है? नैनी झील, वो भी नैनीताल में। यहां पर इनको कैद कर लिया गया था और वहीं पर उन्होंने क्या किया था? अपनी पुत्री को पत्र लिख करके जन्मदिन का, जन्मदिन के दिन भेजा था। तो उसमें क्या इन्होंने बोला कि तुम्हें कई उपहार मिले होंगे जन्मदिन पे। तुम लोगों को मिलते हैं गिफ्ट्स? मिलते हैं ना? और क्या क्या मिलता है? मम्मी कपड़े भी दिलाती हैं, कार्ड्स मिलते हैं, दोस्त देते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं, फूल भी देते होंगे। तो उसी तरह से गांधी, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा और इन्होंने कहा कि तुमको बेटा अपने उस पर, किस पर बताओ, जन्मदिन पर कई उपहार, वर्षगांठ। और क्या कहते हैं जन्मदिन को? वर्षगांठ भी कहते हैं ना। जन्मदिन साल में कितनी बार आता है? एक बार। क्यों? क्योंकि एक ही बार पैदा होता है। क्यों एक ही बार पैदा होते हैं? जो जिस तारीख को आप पैदा होते हैं उसी तारीख को क्या होता है? आपका जन्मदिन मनाया जाता है। उसी तरह से तो गांधी जी का जन्मदिन पड़ा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखकर बताया कि तुम बहुत ही वीर, ऐसे समय पर पैदा हुई हो, ऐसे समय पर तुम्हारा जन्म हुआ है जबकि स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, और तुम बहुत भाग्यशाली हो
कि तुम इसमें एक हिस्सा हो इस लड़ाई में। और एक इसमें उन्होंने एक बात और कही है, क्या बात कही है, जोन ऑफ आर्क। देखो कि गांधी जी ने उन्होंने जोन ऑफ आर्क कि तुम्हें जो है जोन ऑफ आर्क जो है उसकी कहानी बहुत पसंद थी। किसने लिखा है? पिता ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। बेटी से कह रहे हैं कि तुम्हें जोन ऑफ आर्क की कहानी बहुत पसंद थी। और मालूम है जोन ऑफ आर्क कौन थे? एक लड़की थी जो 13 साल की थी। 13 साल की उम्र में उसने मालूम है क्या किया? अंग्रेजों से लड़ी और अपने देश फ्रांस को उसने आजाद कराया। 13 साल की कौन है अपने क्लास में? कोई तो होगा, है ना? एक दो बच्चे हो ना 13 साल के। सोचो वो लड़की ने अंग्रेजों से लड़ाई करी और अपने देश को आजाद कराया। उसका देश कौन सा था? फ्रांस। आसान बात है, कितनी बहादुर लड़की रही होगी वो। बाद में उसको संत की उपाधि मिल गई। उसकी मृत्यु के बाद उसे संत माना जाने लगा। तो इंदिरा जो थी वो उससे बहुत प्रभावित थी। उस लड़की से उनको बहुत ज्यादा उसकी कहानी बहुत अच्छी लगती थी जब उनके पिता उसको सुनाते थे। तो इनको जो है जवाहरलाल नेहरू बोले, इन्होंने लिखा है इस पत्र में कि तुम्हें वो कहानी पसंद थी क्योंकि तुम भी उसी की तरह की बहादुर और वीर साहसी बनना चाहती थी। बनना भी चाहती हो तो आपको पता है इंदिरा गांधी कौन थी? किसी को पता है इंदिरा गांधी अपने देश की क्या रह चुकी है? नहीं पता? इंदिरा गांधी अपने देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और 10 साल से भी ज्यादा उन्होंने हमारे देश पर राज्य तो नहीं कहेंगे, देश की प्रधानमंत्री रही हैं। और उनके पुत्र मालूम है कौन कौन से बेटे थे उनके? इंदिरा गांधी के बेटों के नाम मालूम है? राजीव गांधी और संजय गांधी। और राजीव गांधी की पत्नी है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का नाम सोनिया गांधी, सॉरी, राजीव गांधी की पत्नी है सोनिया गांधी। नाम सुना है? सोनिया गांधी का नाम सबने सुना है? और राजीव गांधी के दो बच्चे, उनका नाम सुना है? राहुल और प्रियंका। सुना है? देखो देखो इधर, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री कौन थी? पुत्री इंदिरा गांधी, है ना? इनके दो पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी। इनकी पत्नी सोनिया गांधी। ये जो आपने सुने हुए नाम है। और इनके बच्चे राहुल और प्रियंका। और संजय गांधी की पत्नी का नाम पता है? मेनका गांधी। हाँ, मेनका गांधी, ठीक है। जोन ऑफ आर्क की कहानी उन्होंने उसमें लिखी है। जोन ऑफ आर्क की कहानी क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए लिखा है अपनी बेटी को, पुत्री को, क्योंकि वो उसको सुनाया करते थे। और जोन ऑफ आर्क आपको पता है कौन थी? एक लड़की थी, कितने साल की? 13 साल की। और उसने स्वतंत्रता अपने देश को आजाद किससे कराया? अंग्रेजों से आजाद कराया। और अपने देश को का नाम क्या था उनके? फ्रांस। तो इस पत्र में क्या कह रहे हैं पिता अपनी पुत्री से कि हम तुम भाग्यशाली हैं,
जिन्हों हम लोगों ने जब बापू जी जहाँ पर अपने देश में स्वतंत्रता का आंदोलन छिड़ा हुआ है उस समय हम लोगों ने जन्म लिया है, तो हम तो भाग्यशाली हैं। और किस लिए भाग्यशाली हैं? क्योंकि हम इसमें भाग ले रहे हैं, इस आंदोलन में अपने देश को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने में हम भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या हैं? भाग्यशाली हैं। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, वो ये कह रहे हैं कि तुम जो हो बेटा, कई बार ऐसे महान उद्देश्य, ये हमारा उद्देश्य कि हमें देश को आजाद कराना है, तो इसके लिए हमें आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। मैं जेल में हूँ और मैं तुम्हें एक शिक्षा देना चाह रहे हैं। क्या आप लोगों के मम्मी पापा हमेशा अच्छी चीजें बताते हैं ना? वैसे ही, क्योंकि वो सामने नहीं है, पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, इसलिए वो समझा रहे हैं कि जब इस तरह का काम कर रहे हो तो कई बार ऐसा लगता है ये करूं कि ये करूं। कई बार आप लोगों को नहीं लगता है कि जैसे आपसे कोई बात कही, किसी ने मना किया है कि बताना मत दूसरी सहेली को, बहुत सिंपल सी बात है, आपके मन में आ रहा है बताऊं कि ना बताऊं, होता है? या फिर आपने गलत काम किया है, आपको भी लग रहा है कि गलत करा है, तब आप छुपाने लगते हो ना? जब आपको पता है अंदर से कि आप गलत कर रहे हो तभी छुपाते हो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेटा, जब कभी तुम्हें इस तरह का लगे कि तुम बताओ कि ना बताओगी किसी को ये बात कि नहीं बताओगी, तो उसका एक उपाय है कि कभी भी जब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आप सही काम करोगे तो किसी से छुपाने की आपकी इच्छा भी नहीं करेगी, ठीक है? अगर आप गलत करोगे, आपका मन कह रहा है कि आप गलत है ये चीज, उसको फिर भी करोगे, तब क्या होगा? आपका मन, आप क्या करोगे उसे, क्या करोगे उसे? छुपाओगे ना दूसरों से, दूसरों से छुपाने लगते हैं ना जब हमें लगता है कि ये गलत बात है, किसी को पता ना चले। आपने तो कर दिया, कर तो दिया या हो तो गया, पर फिर आप छुपाने लगते हो उस बात को। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि बेटा, ऐसा कोई काम ना करना जिसको तुम्हें किसी को बताने में ये शर्म महसूस हो या झिझक लगे या ये लगे कि गलत, ये झूठ बोलना पड़े। कभी भी अगर किसी काम को करने के बाद उसके लिए झूठ बोलना पड़े, या कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए भी झूठ बोलना पड़े, ऐसा कोई काम मत करना, ठीक है? तो ये वो उनको, इंदिरा गांधी को क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं, उनको तरीका बता रहे हैं। और चाहे कि तुम बहादुर बनो, जो बहादुर होते हैं, साहसी बनो, वीर बनो, बहादुर बनो, क्या क्या बनो? बहादुर बनो, साहसी बनो, और भाई वीर और बहादुर साहसी वैसे एक ही शब्द है एक तरह से। और क्या बनो? सच बोलो, हमेशा क्या करो? सच बोलो। तो जब सच बोलोगे तो कभी किसी बात का भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, होता है फिर? नहीं होता है। तब आप झूठ नहीं बोलोगे, सही काम करोगे और किसी से छुपाने ना पड़े ऐसा काम करोगे, तो आप सही जा रहे हो, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। ये उन्होंने अपने पत्र में कहा। और आखिर में बोले कि हम लोग वैसे भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं। किस तरह का कार्य कर रहे हैं? हम देश को आजाद, देश को स्वतंत्र कराने का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमारा अपना कोई क्या है, लाभ है? नहीं, हम तो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसमें वैसे भी कोई छुपाने की बात नहीं है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और ईश्वर करे तुम्हें अपने कार्य में सफलता मिले, ठीक है? ये उन्होंने क्यों लिखा ये सब चीजें? क्योंकि वो अच्छी बातें अपने पुत्री को बताना चाहते थे। वहां पर उनके पास कोई उपहार तो होगा नहीं, जेल में होगा कोई उपहार? कोई गिफ्ट, कोई प्राइज कुछ नहीं हो सकता, प्रेजेंट देने के लिए कोई उपहार नहीं था, कोई भेंट नहीं थी। तो उन्होंने चिट्ठी द्वारा, पत्र द्वारा अच्छी बातें अपनी पुत्री को सिखाने की कोशिश करी, जो कि सभी के मम्मी पापा करते हैं। अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि नहीं बताते हैं? ये बोलता है किसी के मम्मी पापा की, झूठ बोल देना बेटा? बोलते हैं? और ये मत करना, डरपोक बन जाओ, मत करो, ये भी नहीं बोलते हैं ना? जब आप सही होगे तभी आप नहीं डरोगे किसी से, अगर आप गलत काम कर रहे होगे तो जरूर डरोगे, ठीक है? पर ये मतलब नहीं होता कि डरो नहीं तो मम्मी पापा का कहना भी ना मानो, ये नहीं कहा है जवाहरलाल।
कि इसमें कौन पत्र लिख रहा है? कौन लिख रहा है? और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? चाचा नेहरू थे। और भारत के भारत आजाद भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ये बताओ, चिट्ठी जो लिखी है उन्होंने कैस कब लिखी है? जब वो जेल में थे। कितनी तारीख को? 26 अक्टूबर 1930 को। कहाँ से लिखी है? नैनी जेल से। कहाँ से लिखी है? नैनी जेल में। वो उनको बंद जेल में रखा गया था। और क्यों जेल में रखा गया था? उन्होंने चोरी की थी। क्यों रखा गया था? क्योंकि वो स्वतंत्रता, जब उस समय देश में क्या हो रहा था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। कौन कौन था? गांधी जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग सब उस समय क्या कर रहे थे? हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई कर रहे थे। लोगों से, अंग्रेजों से लड़ते थे, पर ये उस तरह से नहीं लड़ते थे कि तलवारें निकाल करके, बंदूकें चला करके। ये अपने आंदोलन को शांत रूप से कैसे करते थे? रैलियां करके, और कई तरह से बड़ी बड़ी रैलियां आजकल देखी होती हैं, जो उसी तरह से जगह जगह सभाएं करके, और अंग्रेजों की चीजों, अंग्रेजों के जो देश से जो भी चीजें आती थी, जो सामान आता था, उसका बहिष्कार करके, उसका इस्तेमाल ना करके, ये लोग क्या करते थे? अंग्रेजों को कहना चाह रहे थे कि तुम अपने देश वापस जाओ। उसी समय फिर जवाहरलाल नेहरू को क्या हुआ था? अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। और 26 अक्टूबर 1930 को उन्होंने ये पत्र अपनी पुत्री को इसलिए लिखा क्योंकि 26 अक्टूबर को मालूम है इंदिरा गांधी, जो भी वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनका जन्मदिन पड़ा। और तब उस समय जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे थे? जेल में थे। तो उन्होंने अपनी पुत्री को ये पत्र लिख करके अच्छी अच्छी बातें लिख के भेजी। क्या क्या लिखा था जल्दी कोई बता सकता है? क्या क्या उन्होंने समझाया है इसमें पत्र में? अपनी पुत्री को क्या क्या समझाया है? सच बोलना और साहसी बनना और बहादुर। बीस हाँ, क्या क्या बनना? अपने देश की आजादी में, आजादी के आंदोलन में भाग लो और बहादुरी से लड़ो, ठीक है? और जब सच बोलोगे तो डरने की जरूरत नहीं है। गलत करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। गलत काम करते हो तो कैसे करते हो? डर डर के करते हो, छुप छुप के करते हो। उन्होंने यही कहा क्योंकि तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो, इसलिए किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा काम कर रही हो और बहादुरी से करो, ठीक है? समझ में आया? ये पत्र है। अब हम पत्र लिखना तुम लोगों को अगली बार सिखाएंगे कि कैसे कैसे पत्र लिखे जाते हैं। दो तीन तरीके से पत्र लिखे जाते हैं, वो हम तुम लोगों को अगली बार बताएंगे। अब इसमें जो और एक्सरसाइजेज हैं, एक देखो दिया हुआ है बहुवचन, शब्दों के बहुवचन। बहुवचन का मतलब मालूम है किसी को? बहुत सारे। एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन का क्या मतलब हुआ? बहुत सारे। क्या क्या दिया हुआ है? शुभकामना, शुभकामना, शुभकामना का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब कोई बता सकता है मुझे? बधाई, या किसी के बारे में अच्छी बातें सोचना, कामना करना, अच्छी बातों की कामना करना, शुभकामनाएं। फिर क्या है दूसरा? दूसरा शब्द क्या है? बालिका,
बालिका का क्या हुआ? ठीक है, ऐसे लिख दो, बहुत गलत हो गया। ऐसे नहीं, अब जो बचे हुए हैं वो आप घर से करोगे, ठीक है। अब उसके बाद है संज्ञा दी हुई है उसके, उसको क्या बताना है? विशेषण। देखिए शक्ति तो हुई ताकत, और शक्तिशाली क्यों होता है? जब कोई आदमी शक्तिशाली होता है, ताकतवर है, फिर क्या है? बल। बलवान होगा कि बलशाली होगा? बलवान। गुण है, आप बहुत प्रतिभाशाली हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर है वैभव। वैभव का क्या होगा? वैभवशाली। गौरव, ऐश्वर्य, ऐश्वर्यशाली। गौरवशाली होगा ऐश्वर्य का, ऐश्वर्यवान होगा। अब क्या है इसके बाद है? देखो शब्द वो है प्रश्न उत्तर। यह पत्र किसने किसको लिखा है जल्दी से बता दो। यह पत्र, हाँ बोलो, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम से, हाँ को लिखा है। फिर है पुत्री के जन्मदिन में पर नेहरू जी ने उपहार क्यों नहीं भेज सके? ऐसे कभी भी कोई भी उत्तर क्योंकि से नहीं शुरू होता है, हमेशा सदैव ये याद रखो। पुत्री के जन्मदिन पर नेहरू जी ने उपहार इसलिए नहीं भेजे क्योंकि वो जेल में थे। फिर क्या है? साधारण पुरुष और स्त्रियां कब वीर पुरुष और वीरांगनाएं बनती हैं? देखो साधारण पुरुष इसमें ये था, साधारण पुरुष क्या होते हैं? जो हम आप हैं, हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं ना। और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जब कुछ अलग से काम कर जाते हैं, जैसे जोन ऑफ आर्क ने अलग से काम कर दिया, देश के लिए लड़ी, इंदिरा गांधी देश के लिए लड़ी, बापूजी देश के लिए लड़े, तो ये क्या बन गए? वीर और वीरांगनाएं, ये अलग से हो गए। और साधारण स्त्री पुरुष हम लोग जैसे होते हैं, जो अपने परिवार को कमाने जाते हैं, घर आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ये फर्क है, ठीक है। जिनको इससे मतलब नहीं होता है कि देश में क्या हो रहा है, सड़कें तोड़ रहा है कोई, तोड़ने दो, हम बगल से निकल के चले गए। कूड़ा कोई फेंक रहा है, हमने तो नहीं फेंका, ठीक है कोई नहीं देख रहा तो हम भी फेंक देते हैं, कई बार करते हैं ना ये, तो हम लोग बहुत ही साधारण लोग हो जाते हैं। और जो देश के लिए कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो वीर और पुरुष वीर हो जाते हैं, और स्त्रियां क्या हो जाती हैं? वीरांगनाएं, वीरांगनाएं, ठीक है।
किसी कार्य के करने या ना करने के संबंध में निर्णय करने के लिए पिता ने पुत्री को क्या सलाह दी? उन्होंने क्या कहा था, किसी काम को करने या ना करने का कैसे तरीका ढूंढोगे? हमने बताया किसी काम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तुम लोग कैसे सोचोगे? जिस काम को करने के लिए कभी किसी से झूठ ना बोलना पड़े, डरना ना पड़े और छुपाना ना पड़े, तीन काम ना करना पड़े, वो काम हमेशा क्या होता है? सही होता है। गलत काम जो होता है उसी को क्या करते हैं हम लोग? उसके लिए डरते हैं, झूठ बोलते हैं और छुपाते हैं। गलत सही का फर्क पता चला? यस आंटी। स्वतंत्रता आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था बताओ? जो हमारा देश आजाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा सहयोग रहा है देश को आजाद कराने में। ठीक है, अब इसमें एक सही प्रश्न, सही वाक्यों पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। वो वाली एक्सरसाइज आप अभ्यास क्या करेंगे, घर से करके लाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले वाले लेसन में जब भी बैठेंगे तो हम पत्र लिखना सिखाएंगे तुम लोगों को।